हाई एवरी वन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, अपनी BRCA की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज अपना टेस्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर का। अपने यहाँ से क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जाके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है आपको, वहाँ पे आपको इस टेस्ट के क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। पहले जाके 12 मिनट की अलार्म लगाओ, सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस, उसके बाद अपने आंसर्स मैच करो, अपना स्कोर देखो, और अगर आप बताना चाहो तो बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी ना बस ध्यान रखना आपको कि 10 क्वेश्चंस हैं और 12 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि BRCA एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चंस को 2 आवर्स में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखना और ट्राई करो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करो, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों के केस में ही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपने अपने आंसर्स मैच कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन ए, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ सी एंड टेंथ ऑप्शन बी, ठीक है। अभी इनके डिटेल सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की रहती है, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे सिंपल सी बात है, पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास कार्बिन है ना, कार्बिन है, कार्बिन के पास 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, ठीक है। रिएक्शन हुई है एल्कीन के साथ, तो आपको ना यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि जो ये वाली कार्बिन है ये सिंगलेट कार्बिन है या फिर ट्रिपलेट कार्बिन है, क्योंकि हमें पता है कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, एक होती है स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना। तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी कार्बिन पे ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हों जिनके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हों, तो क्या हो सकता है, जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा उसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे अपने, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हों, तो उस वाले केस में सिंगलेट कार्बिन होती है। तो यहाँ से हम ये तो श्योर हो गए कि सिंगलेट कार्बिन है ये, और सिंगलेट कार्बिन में रिएक्शन कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि जैसे अपने पास ये ट्रांस एल्कीन है ना, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना, जो मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी ये दोनों ट्रांस पोजिशन पे ही रहेंगे, इतना ध्यान रखना होता है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे PNQ दोनों जो बनेंगे, वो दोनों ही केसेस में ये ट्रांस पोजिशन पे होने चाहिए। तो आप सिर्फ ऑप्शन चेक करो जिसमें दोनों ट्रांस पोजिशन पे हों। यहाँ पे ये सिस हो गया, दोनों सेम प्लेन में है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे ये दोनों सिस हो गए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे दोनों सिस दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डायरेक्टली आप ऑप्शन बी मार्क कर दो, दोनों आपस में ट्रांस हैं और ये भी ट्रांस है, ठीक है। तो मेन काम आपको यही करना था, यहाँ पे ये पहचाना था कार्बिन कौन सी है, सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट है। सेकेंड देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डबल बॉन्ड विल अंडरगो साइमन स्मिथ रिएक्शन। कैसे करेंगे, देखो नाम पहले लिख दिया गया है साइमन स्मिथ, रिएजेंट देख के भी हम पहचान सकते थे। यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिखा है 1 equivalent, दैट मीन्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, जो ये हमारे पास 4 डबल बॉन्ड्स हैं, इनमें से कोई एक डबल बॉन्ड के ऊपर ये रिएक्शन होनी है। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर अपने पास कार्बिन है CH2, है ना। हमें ये पता है कि जो कार्बिन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड चाहिए होगा। अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिश्ता फिर भी देख लोगे, सब्सटीट्यूएंट कितने लगे हुए उसके हिसाब से देख लोगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे लगा हुआ है एलाइलिक वाली कार्बन के ऊपर, एलाइलिक OH ग्रुप है यहाँ पर, है ना। ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसके लिए एलाइलिक कार्बन होगी ये वाली, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऐसे जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसके लिए ये वाली एलाइलिक कार्बन हो गई, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेटल कौन सा है, जिंक है, और जो जिंक है वो पार्टिसिपेट करता है चिलेशन में, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है चिलेशन में। तो जिस भी ग्रुप के साथ ज़्यादा चिलेशन होगी वहाँ पर रिएक्शन फास्ट होने वाली, वो पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा है, मान लो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव कहीं पर आपको दिख जाए, जैसे मान लो अगर मैं बनाती हूँ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाती हूँ मेटल के साथ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मेटल में प्लस लगा देंगे हम, जैसे मान लो OLi हो सकता है, इस तरह से करके अगर ये है तो सबसे ज़्यादा चिलेशन कर पाएगा, इसके बाद OH ग्रुप और इसके बाद OR ग्रुप, जैसे OMe हो गया या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर ये तो मेरे पास है नहीं सिस्टम में, लेकिन हाँ OH है, OH लगा हुआ है इस वाले डबल बॉन्ड के साथ, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये डी वाला है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये चिलेशन कर जाएगा जिंक के साथ, इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। अगर आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शंस क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 equivalent लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक को ही करके दिखाना है, सही है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो।
इसमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पर ये क्या है, बेस है ना, हमें ये समझ में आ रहा है कि एलिमिनेशन तो हम करवा देंगे. पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ से ये निकलेगा, इसके निकलने के बाद जो H आना है, एलिमिनेशन होगा, H से निकलेगा बाहर यहाँ से, है ना. तो H कौन सा होगा, जो ये दोनों H हैं इन दोनों के साथ इक्विलेंट है, है ना. तो चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर भी तो तीन H लगे हुए हैं. तो डिसाइड हमें ये करना है किसके निकलने के बाद ये वाला H यहाँ पर आएगा या फिर इन दोनों में से कोई आएगा. कैसे डिसाइड करेंगे, अब देखो, चाहो तो इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. Cl लगा हुआ है ऊपर की साइड और यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है CH3, ऐसे हमने लगा दिया, ठीक है, इतना हमने देखा. अब यहाँ पर ना एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ है, एक H यहाँ पर है ना. और एक है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन है साथ कार्बन है, इस वाली कार्बन के पास तीन CH3 लगे हुए हैं. तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये बल्की है, बल्की बेस है, तो ये ट्राई करेगा कि लेस हिंडर्ड वाले H को ही निकाले. तो यहाँ से आपने जैसे ही ये निकाला, अब ये वाले H जो हैं ये तो हिंडर्ड है ना, तो इनको निकालना थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ है. जब इसको ये वाले तीनों एक्सपोज वाले H दिख रहे हैं तो पहले इन्हें भी अटैक कर देगा. यहाँ से ये बाहर गया, इसने मान लो इन तीनों में से कोई भी H निकाल लिया, ऐसे करिए तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया. दैट मीन्स अपने पास क्या आया फाइनल, ऐसे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. अभी ऑप्शंस पढ़ लो, इट हैज़ एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. एक्सो क्या होता है, रिंग के बाहर वाला, तो ये रिंग के बाहर ही तो है, दैट मीन्स एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें. ऑप्शन ए मार्क कर दो, बाकी काउंट करना चाहते हो काउंट कर लो, बट अपना आंसर आ चुका है. यहाँ पर बोल रहे हैं इवन एलिमिनेशन फेवर्ड हुआ है, ऐसा नहीं है, कौन सा ई टू एलिमिनेशन है, ठीक है, तो ये तो हटा दो. द डबल बॉन्ड है 7 अल्फा हाइड्रोजन, काउंट करो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है वैसे भी, तो नेक्स्ट वाली कार्बन देखनी, ये वाली अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 2+2 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो हटाने पड़ेंगे, हट गया ये भी, ठीक है. इसके बाद मॉलिक्यूल डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. आगे देखते हैं, इसमें बताना है आपको कि मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होंगे. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कैरियोसिस सीरीज में भी करवाया था. देखो जैसे हमारे पास ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ पर होना क्या है, सबसे पहले H प्लस तो है यहाँ पे, एसिड तो है ही, तो ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगी प्रोटोनेट, सही है. हीटिंग में है, हमने वाटर को निकाला बाहर, सिंपल इवन एलिमिनेशन करवा दी, वाटर निकलते हैं यहाँ पे कार्बोटाइन बनेगा, उस बाद H प्लस को निकाल देंगे यहाँ से. तो हुआ क्या है, यहाँ से हमने निकाल देना ये पूरा ग्रुप और यहाँ लगा देना डबल बॉन्ड, ठीक है. अब ना ये वाला स्टेप तो हमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे एस्टर भी तो प्रेजेंट है, और एसिडिक मीडियम में एस्टर का भी तो होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है. तो अगर एसिडिक मीडियम है तो ये एस्टर भी हाइड्रोलाइज होके COOH बन जाएगा, ऐसे यहाँ हम लगाएंगे COOH, और बाकी तीन लगे हुए, दो लगे हुए नाइट्रो ग्रुप, इस तरह से करके. अब ना हीटिंग भी है, हमें चेक करना पड़ेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा या नहीं होगा. कैसे डिसाइड करते हैं, जब भी आपको डिसाइड करना हो डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से आपको CO2 बाहर निकालनी है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करवाओ, ऐसे करके, ऐसे आपको ये चेक करना है. देखो यहाँ CO2 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बना, कार्बन आयन बना ना, ऐसे वाला कार्बन आयन बनेगा ना, तो क्या ये स्टेबल है या फिर नहीं है. अगर ये वाला कार्बन आयन स्टेबल बना फिर तो डीकार्बोक्सिलेशन पक्का होगा, ठीक है. हमें दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन बना है, दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए जो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, और यहाँ से इसके ऊपर, इस वाले रिंग के ऊपर भी ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा. तो भी देखो इसको हटा दो यहाँ से और यहाँ पे लगा दो H, ऐसे, और बाकी ये भी. तो एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, इसका भी हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और यहाँ पे भी इसका एलिमिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड आया है, ठीक है. तो ए वाले केस में तो ये बन रहा है, ए वाले केस में ये बन रहा है, ये OH तो बचेगा नहीं, क्योंकि एसिड है, प्रोटोनेट करेगी ही करेगी इसको, ठीक बात है. इसको हटा देते हैं, ए ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. बच्चे अपने पास दो ऑप्शन बी का चेक करना पड़ेगा. बी वाले केस में क्या है, ध्यान से देखो, ये हम यूज़ करते हैं फॉर न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन, न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एस्टर ग्रुप. क्या करवाएंगे, ये नाइस बार इसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करने वाला, सिर्फ यहाँ से इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा, सिर्फ यहाँ से ये एस्टर वाला ग्रुप हटना है, OH बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा. OH इफेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एसिड था, जाके उसने इसको प्रोटोनेट कर दिया है ना, इसलिए एलिमिनेशन हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना. इस वाले केस में ये वैसे का वैसे इंटैक्ट रहेगा, और यहाँ से इसका हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो रहेगा करेक्ट आंसर.
ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो. ये पूछा हुआ है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट डीजनरेट विद द रिएक्टेंट. यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए. डीजनरेट का मीनिंग ही होता है कि एनर्जी वाइज सेम है दोनों, है ना. चेक कैसे करेंगे, देखो पहले इसको देख लेते हैं. यहाँ पर ऐड करवाया PHMGBr. यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है. आपको ध्यान रखना है अपने पास जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया या कोई एल्काइल लिथियम हो गया, गिलमन रिएजेंट हो गया, ये सारे ना न्यूक्लियोफाइल के जैसे तो एक्ट करते ही करते हैं, साथ में बेस के जैसे भी एक्ट करते हैं. और इनको अगर कोई भी एसिडिक प्रोटोन दिख गया तो सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन ही करेंगे. और यहाँ पर हमें दिख रहा है OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप दिख रहा है. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ये फिनाइल है यहाँ पे जाके H को ही निकालेगा. जैसे हम इसको देख लेते हैं पहले एक बार, मान लो इसने इस वाले H को निकाला, क्या बना ये OMGBr बन गया. OMGBr बना और साथ में ये फिनाइल था, इसने H निकाल लिया यहाँ से. पहले ये था, अब H निकाल गया, बन गया बेंजीन, बन गया ऐसे बेंजीन आ गया अपने पास, ठीक है. फिर NH4Cl है, वहाँ से ये H निकाल लेगा और ये बन गया OH. तो रिएक्टेंट भी यही था, प्रोडक्ट भी यही है, समझ रहे हो. रिएक्टेंट भी यही था और प्रोडक्ट भी यही, में दोनों क्या है डीजनरेट है. तो ये वाली बात तो ठीक है. सेम कहानी इसमें वापस रिपीट होगी. जो ये वाला एच है, जो एस के साथ लगा हुआ है, ये भी तो एसिडिक है. और अगर एसिडिक है तो जैसे इसमें ऐड करेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले यहाँ पे आएगा एस माइनस MgBr प्लस और साथ में बेंजीन रिंग बाहर निकालो. इसके बाद क्या, NH4Cl से वापस H निकाल लेगा, ये H निकालते वापस बन जाएगा SH. तो जो रिएक्टेंट था वही वापस से प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स ये भी होगा. इस पे आओ, फिनोल है, ये वाला H एसिडिक होता है, फिर से सेम रिपीट होगा. यहाँ पर आओ, ये वाला H भी एसिडिक है क्योंकि H प्लस के निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर आ रहा है ना, है ना. तो ये वाली कार्बन के एट्रिबल बोन लगा हुआ है, SP हाइब्रिडाइज कार्बन है, समझते हो. तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा एस्केलेटर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, इसलिए एसिडिक भी है ये, ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है, यानी कि सारे ही केसेस में क्या है, डीजनरेट ही होनी है ये फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वही वापस से प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स क्या एनर्जी तो सेम ही होगी, इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन डी. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो सबसे पहले बेंजीन है, उसके अंदर Br2 डाल दिया गया है. ब्रोमिनेशन कभी भी ऐसे नहीं होगा. बेंजीन वाले केस में हमें साथ में कोई ना कोई ल्यूइस एसिड डालनी पड़ती है, तब जाके होता है, ठीक है. अगर हमें नॉर्मल बेंजीन रिंग में चाहते हैं ब्रोमिनेशन करवाना, तो साथ में ल्यूइस एसिड ऐड करनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन होगा. इस वाले केस में क्या है, इस बार ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या करेगा ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाएगा, ठीक है. तो इस वाले केस में क्या होता है, सारे ही पोजिशन के ऊपर Br आ जाता है. तो ये वाली रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत आराम से होती है, जबकि इस वाले केस में रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ पे ल्यूइस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन फास्ट है. और अगर रिएक्शन फास्ट है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट भी ज़्यादा होगा. सो K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है, बी मार्क कर देंगे. सेवन देखो, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है. सबसे पहले ऐड किया गया है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड. कौन सी रिएक्शन होगी, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, कीटोन है, यहाँ से क्या बनेगा एनहाइड्राइड बने, यहाँ से सॉरी कीटोन है, एस्टर बनेगा. कैसे बनाएंगे, दो चीज़ें हैं, या तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट करवाओ या फिर यहाँ पे इंसर्ट करवाओ. कैसे करेंगे चेक, जो ये वाली कार्बन है कैसी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, और ये वाली कार्बन कैसी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है. सो टर्शरी कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का इंसर्शन यहाँ पर होगा. तो सबसे पहले स्टेप में हमने करवाया बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से ये 7 मेंबर रिंग बनेगी, ऐसे 1 2 3 4 5 सेकेंड ऐसे बनाई 7 मेंबर रिंग. यहाँ पर लगा हुआ डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड O, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जो जिस भी पोजिशन में वैसे ही रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन आई है यहाँ पर बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन से. तो यहाँ पर हमने लगाया H, दो मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पर अबव द प्लेन है OH, इतना ही है. अब देखो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड है, जब हम करवाएंगे बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड निकलेगी, यानी कि एसिड तो आ गई सिस्टम के अंदर. एसिड के आते ही क्या होगा, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है इसके पास, H प्लस ने आके इसको प्रोटोनेट किया. नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अब चार्ज को न्यूट्रलाइज तो करवाना ही है, यहाँ से ऐसे इस वाले ऑक्सीजन ने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे
क्या होगा ऐसा करने से, एक तो ये बॉन्ड सिंगल हो गया और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया प्लस, करेक्ट है ना। इसके बाद देखो यहाँ से मैं रिंग ओपन करवा सकती हूँ, रिंग ओपन होगी ऐसे करके और रिंग के ओपन होते हैं यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है प्लस आ रहा है। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, इसके पास क्या है लोन पेयर, अबव द प्लेन है, ऊपर से अटैक कर देगा इसके ऊपर। आप ऐसे देखो ये सिंपल कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है इसके पास है लोन पेयर इस तरह से, तो ये अटैक कर देगा ऊपर यहाँ से, ऐसे बन जाएगा। इस वाली कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे पहले ये बनेगा ऐसे और नेक्स्ट स्टेप में H प्लस निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है इस तरह से, क्लियर है ऐसे होगा रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ए। अब स्टीरियो कैसे देखेंगे, इसने ये ऊपर की साइड है ना, तो ऊपर की साइड से अटैक करेगा, ठीक है तो ये तो हमने ऐसे डिसाइड कर लिया, वैसे भी ऑप्शन ऐसा ए किया, स्टीरियो नहीं पता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से हम मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था BARC 2019 में, कुछ भी नहीं है सिंपल, यहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन यानी कि बेंजाइन बनने वाला है, ये अपने पास K प्लस NH2 माइनस है, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा यहाँ से, H प्लस निकाल लेगा, H प्लस के निकालते ही या फिर ऐसे दिखाओ NH2 माइनस है ना, ये यहाँ से H प्लस निकालेगा, इलेक्ट्रॉन डालेगा यहाँ पे, यहाँ से BR माइनस बाहर, तो ऐसे करके हमें मिला बेंजाइन और यहाँ पर है OCH3, ठीक है बाकी सब कुछ सेम रखो। बस आपको ध्यान इतना रखना होता है कि जब भी हम बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट देखना होता है, ठीक है तो अभी अपने पास क्या है NH2 माइनस तो है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाएं या फिर ऐसे ब्रेक करवाएं, अगर हम ऐसे ब्रेक करवाते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, है ना। और ये क्या है मैंने कहा था सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना, माइनस आई नहीं, सिर्फ ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है, मिजोमैक नहीं देखेंगे आप। अब इंडक्टिव चाहे जैसा भी हो, अगर हम बात करें OCH3 ग्रुप की, ऑक्सीजन है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स क्या माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ये, है ना, तो नेगेटिव चार्ज को यहीं लाने में फ़ायदा है। अगर आप ऐसे ब्रेक करवाते हो नेगेटिव यहाँ इधर आया पॉजिटिव, तो ये तो ऑलरेडी लगा रहा है माइनस आई लगा के इसको और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो इससे बेटर है कि हम इस तरफ ब्रेक करवाएं, यहाँ पे नेगेटिव आए यहाँ पे पॉजिटिव आए, जैसे ही पॉजिटिव आएगा NH2 माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, NH2 आ गया यहाँ पे, ये बाद में यहाँ से H निकाल लेगा, ख़त्म। ये है आपका प्रोडक्ट ऑप्शन बी। नाइन्थ देखो, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था BARC 2019 में, नाइन्थ क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया एग्जाम में, बहुत सिंपल है। आई थिंक जब भी हम पढ़ रहे होते हैं इवन CB मैकेनिज्म, सारी बुक्स में ऑलमोस्ट ये वाला एग्जाम्पल रखा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर देखो OH हमें गायब होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से H गायब हुआ होगा तो ही आएगा डबल बॉन्ड, है ना। तो ध्यान रखना है कि जो E2 एलिमिनेशन होता है उसमें अपने पास OH माइनस कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले H प्लस निकालेगा यहाँ से, ये माइनस आया, इसके ऊपर डी लोकलाइज करके दिखा सकते हैं इसको, यही है इसका ड्राइविंग फोर्स, इधर डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे आया ओ माइनस, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर है OH। नेक्स्ट टाइम होगा चार्ज को करवाएंगे डी लोकलाइज, यहाँ से OH माइनस हो गया रहा है, ये पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इसको, ये आगे तक शिफ्ट हो रहा है ऐसे करके बाहर ये, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड ओ, इधर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है। तो कौन सा ये इवन CB मैकेनिज्म है, पहले कॉन्जुगेट बेस बना ना उससे रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ऑप्शन सी मार्क करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, आपको बताने हैं इनमें से ऐसे कितने कंपाउंड या फिर कंपाउंड्स हैं जो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन होने पर बेंजोइक एसिड दे देंगे। एक चीज़ ध्यान रखो, हमने बेंजीन बनाया, इसके ऊपर ये कार्बन लगाई, ठीक है, अब इसके पास ना कम से कम एक H होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी लगाओ, मान लो मैंने यहाँ पे दोनों क्या करा CH3 लगा दिया, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने तीनों CH3 कर दिए फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना हमें कम से कम एक H चाहिए होगा, जैसे यहाँ पर है तीनों ही CH3 लगे हुए हैं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक H अवेलेबल है इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे दो H अवेलेबल है इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर आते हैं इस वाले केस में क्या है, CH3 है ना ये, तो ऑक्सीडेशन हो गया बन जाएगा COOH, ये भी CH3 है बेंजीन लगा हुआ है, ये भी COOH बनेगा, लेकिन ये ओवरऑल बेंजोइक एसिड तो नहीं है,
तो ऑक्सीडेशन तो इसका कर दिया KMnO4 ने, लेकिन बेंजोइक एसिड तो नहीं मिला ना, तो इसको हटाओ, सिर्फ दो ही ऐसे हैं, तो हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। यहाँ पर आपका ये वाला टेस्ट कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, एक दो क्वेश्चन आपको अच्छे भी लगे होंगे, उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना चाहो तो, बाकी रिविजन करके जाना अच्छे से एग्जाम से पहले, ठीक है। सो आई होप ये वाला टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग।